एक तरफ विपक्ष की एकता की बात होती है तो दूसरी तरफ उस विपक्ष की एकता में तृणमूल कांग्रेस कहीं अलग थलग दिखती है। हमारे साथ मौजूद है कल्याण बनर्जी साहब। सर, क्या है कि विपक्ष की जो एकता है उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं है? नहीं, कांग्रेस का साथ हम लोग नहीं है। कांग्रेस कलकत्ता पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दलाल है। ये अधीर चौधरी, प्रदीप भट्ट सब दलाल है। ये तस्वीर देखो ना, ये तस्वीर क्या दिखाता है? ये तस्वीर दिखाता है बीजेपी, कांग्रेस एंड सीपीएम सब लोग एक साथ बैठ के हम लोग का अगेंस्ट में बोल रहा है। तो कांग्रेस इधर तो नाटकबाजी कर रहे हैं, इधर नाटकबाजी कर रहा है कांग्रेस, असली बीजेपी का साथ है। लेकिन ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीर है? इधर कलकत्ता का। ये स्टडी कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन था ना। अरे तुम्हारा मेरा अगेंस्ट में हजार मुद्दा रहना सकता है, उसमें कुछ तकलीफ नहीं है। तुम प्रोटेस्ट भी करना सकता है, लेकिन तुम जब कांग्रेस होके बीजेपी का साथ बैठेगा उधर जाके और इधर आके वो अलग बात बोलेगा, ये तो दिचारिता है, दोनों मुख है कांग्रेस का। लेकिन जो कांग्रेस ये कह रही है कि बिना जो है कांग्रेस के एक ऐसा मोर्चा नहीं बन सकता जो बीजेपी को हरा सके। फ्यूचर बोलेगा। कांग्रेस का कोई लीडर है? बना दीजिए ना कांग्रेस का अलग किसी को, राहुल गांधी छोड़कर अलग किसी को बना दीजिए ना। वो एक खारगे जी है ना, वो खारगे जी उधर बैठा है, उनका प्रेसिडेंट बना दो ना, देखो उसके बाद क्या हाल होता है। नहीं तो फिर क्या तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के को एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कर चुकी है क्या? उसे बात छोड़ो। हाँ। वो बात हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या होगा नहीं होगा बाद में होगा, इतना क्रॉस एग्जामिनेशन मत करो। लेकिन अभी अभी जो कांग्रेस के साथ नहीं है, डीएम को बुलाएगा तो हम लोग आए। चलो हम लोग बोल रहे हैं, शिवसेना बुलाएगा हम लोग आए। नाटकबाजी जो लोग करता है वो उसको उन लोग का साथ नहीं है। तो ये है टीएमसी के सांसद, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते किसी भी सूरत में, बाकी कोई भी पार्टी आएगी, विपक्षी पार्टी आएंगे उसके साथ में मौजूद है। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जहाँ पर साफ तौर पर वो विभाजन दिख रहा है विपक्ष की एकता में भी, और टीएमसी एक तरफ खड़ी है तो दूसरी तरफ खड़ी है कांग्रेस। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।